हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज समित एंड वेलकम टू एडीटेक। दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने अपना पहला बिलियन ब्रांडेड स्मार्टफोन कैप्चर प्लस को लॉन्च कर दिया है, जो कि ट्रूली मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बिलियन कैप्चर प्लस स्मार्टफोन के प्राइस, स्पेसिफिकेशन और डिटेल को बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट का बिलियन कैप्चर प्लस स्मार्टफोन जो है आपको 15 नवंबर से मिलेगा, जो कि दो वेरिएंट में अवेलेबल है। 3GB रैम, 32GB रोम वाला वेरिएंट जिसका प्राइस जो है 11,000 रुपीज़ रखा गया है, और 4GB रैम, 64GB रोम वाला वेरिएंट जिसका प्राइस जो है 13,000 रुपीज़ है। ये स्मार्टफोन आपको दो कलर में मिलेगा, जो कि है ब्लैक एंड गोल्ड। फ्लिपकार्ट बिलियन कैप्चर प्लस स्मार्टफोन के की फीचर्स के बारे में बताओ तो आपको इसमें मिलता है ड्यूल रेयर कैमरा का सेटअप, एक पावरफुल प्रोसेसर एंड यूएसबी टाइप सी पोर्ट। इस स्मार्टफोन के फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में बताओ तो आपको इसमें जो है प्रीमियम मेटल बॉडी डिज़ाइन मिलता है, कॉर्नर जो है वो राउंडेड एजेस के मिलते हैं। इसमें आपको 5.5 इंच की फुल एचडी की डिस्प्ले मिलती है, जिसपे 2.5D कर्व ड्रैगनट्रेल ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। आपको इसमें 2GHz पे octa-core स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर मिलता है और एड्रोनो का 506 का GPU मिलता है। प्रोसेसर जो है एकदम पावरफुल है, और सेम आपको जो है Redmi Note 4 और Xiaomi के Mi A1 में भी आपको यही प्रोसेसर देखने मिलता है। इसमें आपको 3GB रैम, 32GB रोम वाला एक वेरिएंट और 4GB रैम, 64GB रोम वाला वेरिएंट मिलता है, जिसको आप जो है 128GB तक हाइब्रिड सिम स्लॉट के थ्रू एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। 13+13 मेगापिक्सल का ड्यूल रेयर कैमरा का सेटअप मिलता है विथ PDF और ड्यूल LED फ्लैश, जिसका एपर्चर 2.0 है। आप जो है बुके इफेक्ट इजीली क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो है दो सेंसर्स मिलते हैं, एक जो है मोनोक्रोम सेंसर, एक RGB सेंसर। 8 मेगापिक्सल का आपको इसमें फ्रंट कैमरा मिलता है। आपको इसमें जो है नाइट मोड भी मिल जाता है। 3500mAh की बैटरी दी गई है, USB टाइप सी पोर्ट मिलता है, क्विक चार्ज 2.0 का सपोर्ट मिल जाता है। एंड्रॉयड का आपको इसमें नोगट दिया गया है, और आने वाले समय में आपको जो है एंड्रॉयड का ओरियो का अपडेट भी मिल जाएगा और फिंगरप्रिंट सेंसर्स मिल जाता है। तो दोस्तों, प्राइस वाइज देखा जाए तो ये स्मार्टफोन जो है मिड रेंज प्राइस का स्मार्टफोन है, जिसमें आपको जो है डायरेक्टली कंपटीशन होता है Xiaomi के Redmi Note 4, Honor 6X, Tenor G और Lenovo के K8 Note का। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इन सभी स्मार्टफोन को जो है क्या बिलियन कैप्चर प्लस स्मार्टफोन टक्कर दे सकता है। आप क्या ये स्मार्टफोन को बाय करना चाहेंगे? आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल ADTech को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय फ्रेंड्स।